अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास सेकंड एनुअल सप्लीमेंट्री ड्रेस शीट फॉर ऑल एजुकेशन बोर्ड्स इन पंजाब। पंजाब में जितने भी एजुकेशन बोर्ड्स हैं उनकी सप्लीमेंट्री की ड्रेस शीट फॉर साइंस एंड आर्ट्स। साइंस वालों की, आर्ट्स वालों की, दोनों की इकट्ठी ड्रेस शीट है। साइंस वाले अपने सब्जेक्ट नोट कर लें, आर्ट्स वाले अपने सब्जेक्ट्स नोट कर लें। इसमें दो ग्रुप होते हैं, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। पहले डेट है, फिर डे दिन, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप। 20th अगस्त डे मंगल है, ट्यूजडे ट्वेस्ट है। तो पहले ग्रुप में एजुकेशन का पेपर होगा और दूसरे ग्रुप में तारीख यानी हिस्ट्री का पेपर होगा। उसमें हिस्ट्री ऑफ इस्लाम भी है और हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी है, दोनों ही है। तो 20 अगस्त को मंगल वाले दिन पहले ग्रुप में एजुकेशन का पेपर और दूसरे ग्रुप में हिस्ट्री का यानी तारीख का पेपर होगा। फिर 21 अगस्त, 21 अगस्त वेनसडे बुध वाले दिन इंग्लिश क्लास में, यह साइंस और आर्ट्स दोनों का पेपर होता है। इंग्लिश क्लास में फर्स्ट ग्रुप में भी इंग्लिश क्लास का पेपर है, सेकंड ग्रुप में भी इंग्लिश क्लास में का इंग्लिश कंपलसरी है। कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रुप में होगा, कुछ स्टूडेंट्स का सेकेंड ग्रुप में होगा। फिर 22 अगस्त, 22 अगस्त जुमेरा थर्सडे, ये फिर मुतालिया पाकिस्तान पास स्टडीज लाजमी, साइंस और आर्ट्स दोनों वाला, दोनों के ग्रुप पेपर होते हैं। साइंस वाला का भी होगा, आर्ट्स वाले फर्स्ट ग्रुप में होगा। और सेकंड ग्रुप में जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका पेपर होगा गज़ा और गज़ाइत यानी फूड एंड न्यूट्रिशन और कमर्शियल जोग्राफिया, तजारती जोग्राफिया या कमर्शियल जोग्राफी। ये 22 अगस्त को जुमेरा को फर्स्ट ग्रुप में साइंस और आर्ट्स वालों का मुतालिया पाकिस्तान पास्टर्स का पेपर होगा, और सेकंड ग्रुप में सिर्फ जो आर्ट्स वाले हैं उनका फूड एंड न्यूट्रिशन और फिर कमर्शियल ज्योग्राफी का पेपर होगा। उसके बाद 23 अगस्त, 23 अगस्त फ्राइडे जुमे वाले दिन जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फिजिक्स का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप में, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट ग्रुप में सिविक्स यानी शहरियत का पेपर होगा। सेकंड ग्रुप में एडवांस इस्लामियात का पेपर होगा, जो आर्ट्स वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स एडवांस इस्लामिया रखी होती है उनका एडवांस इस्लामिया का पेपर होगा। उसके बाद 26 अगस्त, 26 अगस्त सोमवार मंडे को साइंस वालों का केमिस्ट्री का पेपर होगा, जो आर्ट्स वाले उनका फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट ग्रुप है, और सेकंड ग्रुप में जनरल साइंस वाले उनका सेकंड ग्रुप में पेपर होगा 26 अगस्त को। उसके बाद 27 अगस्त, 23 अगस्त मंगल ट्यूजडे साइंस वाले आर्ट्स वाले दोनों का इस्लामियत लाजमी का फर्स्ट ग्रुप में पेपर होगा। उसके बाद जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका सेकंड ग्रुप में घरेलू भाषा यानी होम इकोनॉमिक्स और जोग्राफिया यानी जियोग्राफी का पेपर होगा आर्ट्स वालों का सेकंड ग्रुप में 27 अगस्त को। उसके बाद 28 अगस्त, 28 अगस्त वेनसडे मैथ वालों का मैथ का पेपर और आर्ट्स वालों का जनरल मैथ का पेपर, यानी साइंस वालों का भी और आर्ट्स वालों के मैथ साइंस और मैथ आर्ट्स या जनरल मैथ फर्स्ट ग्रुप में भी और सेकंड ग्रुप में भी पेपर होगा। कुछ स्टूडेंट्स का फर्स्ट ग्रुप में, कुछ स्टूडेंट्स का सेकंड ग्रुप में, दोनों का साइंस और आर्ट्स का मैथ का पेपर होगा। फिर 29 अगस्त जुमेरात, तो चल तर्जमा दुकान यह भी लाजमी है, साइंस वालों का भी आर्ट्स वालों का भी तर्जमा दुकान का पेपर होगा फर्स्ट ग्रुप में। जो नाम उस स्टूडेंट्स हैं जो क्रिश्चियन वगैरह उनका अखलाकिया का पेपर होगा। इसे सेकंड ग्रुप में जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनका इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर का पेपर होगा 29 अगस्त को। उसके बाद 30 अगस्त बरोज जुम्मा उर्दू लाजमी साइंस और आर्ट्स दोनों का उर्दू लाज फर्स्ट ग्रुप में उर्दू लाजमी का पेपर होगा, और जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो इकोनॉमिक्स वाले हैं उनका सेकंड ग्रुप में इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। उसके बाद 2 सितंबर सोमवार आर्ट्स वाले जो साइंस वाले उनका बायो का पेपर होगा, जो कंप्यूटर साइंस वाले उनका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, जो आर्ट्स वाले उनका ड्रेस डिज़ाइनिंग फैशन ड्रेस मेकिंग और फैशन डिज़ाइनिंग का पेपर होगा, और जो दर्स निज़ामी वाले उनका अल्फिका का पेपर होगा। जैसे सेकंड ग्रुप में 2 सितंबर को सेकंड ग्रुप में जो आर्ट्स वाले उनका पंजाबी वालों का पंजाबी का, अरबी वालों का अरबी का और फारसी वालों का फारसी का पेपर होगा। तो ये वाली सेकंड एनुअल है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2024, उसके डे शीट है फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स। तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने सब्जेक्ट्स
नोट कर लें, इसके मुताबिक अपनी तैयारी करें। अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन।